जहां जल शक्ति डिपार्टमेंट की तरफ से लगातार लोगों को साफ पानी फराहम करने के हवाले से मुख्तलिफ तरह की स्कीम जो है अमलाई जा रही हुई। आज हमने देखा यहां पर पीएचई ऑफिस जो यहां पर जहां पर एग्जेंट बैठते हैं, यहां पर आज हयातपुरा से और इसके जो मलिक देहात से जो यहां पर लोग आए थे उन्होंने यहां पर जोरदार एहतजाज किया। वो ये मांग कर रहे थे कि अगरचि इन्हें जो है जल शक्ति डिपार्टमेंट की तरफ से स्कीम जो है वो फराहम की गई थी, लेकिन किसी वजूहत की बिना पर जो है इस लाइन में जो है रुकावट आई है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आम लोगों को जो है मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो जब हमारी इनसे बात हुई तो उनका यही कहना है कि पिछले कई हफ्तों से वो पानी के बगैर है और इन्हें जो है काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और इस एहतजाज का यही मकसद है कहीं ना कहीं ये जो नई पाइपलाइन यहाँ पर बिछाई जा रही है कहीं ना कहीं इसमें जो है मुदाखलत की जा रही है, जिसकी वजह से इन्हें इस स्कीम पर जो अभी तक काम जो है मुकम्मल नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आम लोगों को जो है मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने इंतजामिया से यही गुजारिश की कि इस लाइन को जो जल्द जल्द जो है कम्प्लीट कर देना चाहिए, विंटर से पहले इन्हें जो है साफ पानी फराहम कर देना चाहिए ताकि इन्हें मुश्किलों का सामना न हो सके। तो फिलहाल आपको इस वक्त सीधे टंगमल जो दिखाए थे क्या करे इस प्रोडक्ट के हवाले से। इस पार्टी 6-7 वरी गई पाइप लाइन से पाइप लीजिए हाथ में से अच्छे तड़प तड़प कर आब से तस आब आसान अगर वो मुलाजम से तंग कर गोल आब से थाव सतान मकरू अगर सी बर्दाश्त कर गुजारिश गवर्नमेंट अत हेल्प अजो आब चमहो अंशन वादा कहीं अच्छे तड़प तड़प कर पांच हेत वो आब नसनस इस वस तेज बनान कह कें वर्तमान घर में तुम गोर मिल पा आब लू सू कर इस्तेमाल किस्मत अख जंगलात वल बेचे गाँव वल गस चराय मे लागन पाइप ये जबरदस्त मजबूर से जबरदस्त परेशानी गम कि वो अगर अत मे एस डी एम सब करे ताउन अत मन अहन सी लोन कम्प्लीट गए पांच सत रेत आब वो अब कुलों लोगमुत मगर लूकन वो दपित मुलमन तथा मह कसूर कह तथा मह कसूर मगर प्रॉब्लम गई बच्चे बेमार वगैरह वो बर्दाश्त कर टंकी हुख टंकियन चलान वो अगर अगर वंद आव ना मरो त्रेश दाद मरो अगर शीन पे चारवाय त्रेश कस न्रेश वो डिमांड अर मेहरबानी कर एस डी एम सब अत सपोर्ट यह जंगलात वल दान लोन वालन बीच बुन कत कत जाए तो ये प्रॉब्लम ये दिन तक हल कर लोन ये रेत मे चार पांच गांव से आए हुए हैं यहाँ, हम पानी के लिए तरस रहे हैं। 60 साल पहले जो पाइपें बिछाई गई है यहाँ, हम असिस्टेंट इंजीनियर साहब के पास आए और इसने ये वादा किया हम हमारे साथ कि हमको सब मटेरियल यहाँ पड़ा हुआ है सिर्फ आवाम के लिए, लेकिन बदकस्मती से कुछ गाँव में जो गवर्नमेंट बार बार कहता है और करता नहीं, वो ये मसला है कि गाँव चराई में भी पाइप डालने बिछाने नहीं देते हैं, जो कि गाँव चराई इसीलिए हम इनके पास आए कि ताकि हम ये लोग कानून से काम लें, हमारा काम मुकम्मल हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ चार पांच गांव से आकर डीसी साहब से और गवर्नर साहब से डायरेक्टर जल शक्ति साहब से गुजारिश पुरजोर अपील करते हैं कि हमारा मसला हल किया जाए। मैं इनके घरों में गया हूं, जो लोग यहां एहतजाज करने आए मैं इनके घरों में गया हूं, मैंने नाल खोले उधर, एक्चुअली हमारे ऊपर सफाई भी हो रही थी उस वजह से भी कुछ उनका पानी कम था, लेकिन उनको हकीकत में प्रॉब्लम है, यहाँ पर नारेबाजी कर रहे थे, मजबूर हो गए थे वो यहाँ आने के लिए। मेरी अपील फिर यही है कि लोग इसमें ताउन करें, एक महीने के अंदर इनके घरों में पानी पहुँच जाएगा साफ, क्वालिटी वाइज अच्छा पानी और क्वांटिटी वाइज अच्छा पानी। मेरी अपील है आपके माध्यम से, आपके तवसुत से, कि आप भी लोगों से तक ये पैगाम पहुँचाएं कि ताउन करें ताउन करें ताउन करें और खुदा के लिए ताउन करें ताकि ये काम जो है ये अच्छी तरह कंप्लीट हो और लोगों को इसमें सहूलियत और आसानियां फराहम हो।